दोस्तों, जंगल के खूंखार शिकारी जानवरों को देख सभी जानवर इनसे दूर भागने में ही समझदारी मानते हैं, लेकिन कई बार कुछ जानवर इनसे डर कर भागने की बजाय इनका डट कर मुकाबला करते हैं, क्योंकि जंगल का एक ही रूल है, मरो जा मारो। इसीलिए कई बार मासूम से दिखने वाले जानवर भी इतना खतरनाक रूप धारण कर लेते हैं कि इनका शिकार करने वाले जानवर को भी मुंह की खानी पड़ती है। और ऐसे कुछ अटैक्स आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। नंबर 1, हेन वर्सेस ईगल। जहाँ एक ईगल मुर्गी के बच्चों को देख उसे एक आसान शिकार समझ बैठता है और शिकार करने के लिए उन पर हमला कर देता है। ईगल के हमला करते ही मुर्गी भी उस पर पलटवार करती है, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकती। मुर्गी बड़ी ही बहादुरी से इस ईगल का मुकाबला करती है, पर ईगल के पंजे बहुत ही नकीले और ताकतवर होते हैं, जिसके एक बार से ही मुर्गी की जान भी जा सकती है। लेकिन मुर्गी के हमले इतने तेज होते हैं कि ईगल को संभलने का मौका ही नहीं मिलता और इनकी ये लड़ाई काफी टाइम चलती रहती है। मुर्गी की निडरता को देखकर ईगल भी हैरान हो जाता है और आसमान का सबसे खतरनाक शिकारी एक माँ की ताकत के सामने हार जाता है और वहाँ से चला जाता है। नंबर 2, पेंगुइन वर्सेस जायंट पेट्रल। दोस्तों, ये क्यूट से दिखने वाले पेंगुइन बर्फीले इलाकों में ही रहते हैं और ये शिकारी जानवरों से बचने के लिए एक साथ रहना ही पसंद करते हैं। जहाँ कुछ पेंगुइन एक साथ बर्फ पर चल रहे होते हैं कि तभी इन पर एक जायंट पेट्रल की नजर पड़ जाती है और वो शिकार करने के लिए इनके रास्ते में आ जाता है। पेट्रल बर्ड को देखकर सभी पेंगुइन घबरा जाते हैं और तभी वो उनमें से एक पेंगुइन को गर्दन से पकड़ लेता है। दूसरे पेंगुइन भी पेट्रल पर अटैक कर उस पेंगुइन को बचा लेते हैं और सभी पेंगुइन जो उसके सामने एक साथ घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। पेट्रल भी पेंगुइन पर लगातार हमला करता रहता है, लेकिन पेंगुइन अपनी समझदारी से एक साथ खड़े होकर उसका मुकाबला करते रहते हैं और आखिर पेट्रल थक कर बैठ जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। नंबर 3, ब्लू बर्ड अटैक ग्रीन मांबा। एक ग्रीन मांबा सांप शिकार की तलाश में ब्लू बर्ड के घोंसले के पास पहुंच जाता है और खतरे को देखकर ब्लू बर्ड इस सांप पर पहले ही हमला कर देती है। सांप भी इस पक्षी को पहले तो काफी बार पकड़ने की कोशिश करता है, पर ब्लू बर्ड सांप से काफी तेज होती है और इनकी ये लड़ाई काफी टाइम चलती रहती है और सांप बिल्कुल थक जाता है और फिर ये ग्रीन मांबा सांप इस पक्षी से डर कर भागने लगता है। लेकिन ब्लू बर्ड इसका पीछा कर सांप पर हमला करती रहती है, पर फिर भी ये सांप अधमरी हालत में वहां से बचकर भागने में कामयाब हो ही जाता है। नंबर 4, बुलबुल अटैक स्नेक। जहाँ ये बुलबुल एक पेड़ पर बने हुए घोंसले में अपने बच्चों को खाना खिलाने में व्यस्त है। इसके बच्चे काफी बड़े हो चुके हैं और इनका पेट भरने के लिए माँ को बार बार जाकर इनके लिए खाना लाना पड़ता है और वहीं बैठा एक सांप बुलबुल के बच्चों को अपना निवाला बनाने की फिराक में होता है, जो इस बुलबुल के जाने का इंतजार कर रहा होता है। और जैसे ही वो बुलबुल अपने बच्चों के लिए और खाना लेने जाती है, तभी मौका देख सांप इस बच्चों को खाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है, पर सही टाइम पर बुलबुल भी वापस आ जाती है और सांप पर लगातार अटैक करने लगती है। सांप को वहाँ से भागना पड़ता है। इसी तरह माँ अपने बच्चों को बचा लेती है। नंबर 5, चिकन वर्सेस कोबरा स्नेक। जहाँ एक मुर्गी अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है और इसके बच्चों को देख कोबरा इनका शिकार करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। मुर्गी उस कोबरा पर पहले ही हमला कर देती है ताकि उसके बच्चों को कोई भी नुकसान ना हो और ये कोबरा पहले तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन अचानक से फिर मुर्गी के बच्चों पर अटैक कर देता है। मुर्गी पूरी ताकत से सांप पर हमला कर देती है, पर कोबरा भी उस पर पलटवार करता है, क्योंकि कोबरा का एक बार मुर्गी की जान भी ले सकता है। सांप कैसे ना कैसे कर मुर्गी के बच्चों के पास पहुंच ही जाता है, लेकिन वो मुर्गी अपने पंजों से सांप पर लगातार हमला करती रहती है और सांप को अपने बच्चों को सूने भी नहीं देती। मुर्गी एक एक कर अपने बच्चों को वहां से निकालने लगती है और कोबरा से अपने बच्चों को बचाने में कामयाब हो ही जाती है। दोस्तों, इसी तरह जंगल में सभी जानवर एक दूसरे का शिकार करने की दौड़ में लगे रहते हैं, क्योंकि शिकार करना इनकी सबसे बड़ी मजबूरी होती है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई जानवर शिकार नहीं करेगा तो वो अपना पेट कैसे भरेगा। लेकिन इन शिकारी जानवरों को भी शिकार करते समय कई बार हार का मुंह देखना पड़ता है और शिकार करने की फिराक में कई बार खुद ही शिकार बन जाते हैं, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए कई बार जानवर इतने आक्रामक हो जाते हैं कि बड़े से बड़े शिकारी जानवरों को भी भागकर अपनी जान बचानी पड़ती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कुछ ऐसे जानवरों की जो अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए खतरनाक से खतरनाक शिकारी जानवरों से भी भिड़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।